आप अपनी स्क्रीन पर ये शानदार यम्मी से कबाब देख रहे हैं। ये मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से और इजी तरीके से रेडी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैबुलस फूड। तो चलिए आज की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। टीस्पून सॉल्ट ले लिया है, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये मैंने कुछ स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस ले लिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक बोल में 500 ग्राम कीमा लिया है, ये मटन कीमा है। इसमें 3 टीस्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और बाकी सारे ड्राई स्पाइसेस। और अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, दबा दबा कर, हाथों से, स्पून का यूज़ नहीं करिएगा। और 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। और फिर यहाँ पर एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे और इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 साबुत लाल मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कली को फ्राई करना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे लाइट ब्राउन करेंगे। बस इतना सही है। और इसको बाहर निकाल लूँगी तेल सेपरेट करते हुए और इसे ठंडा करके पीस लूँगी। ठंडा हो गया है, अब मैं इसे पीस लूँगी। इसको बिना पानी के पीसना है, दरदरा सा, ये देखिए इस तरह से इसको पीसना है। ये इससे ज़्यादा महीन होगा भी नहीं क्योंकि बहुत थोड़ा है ये, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कीमा ऐड कर दूँगी ताकि ये कीमे के साथ क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो जाए तो ये पिस जाए। ये देखिए ये पिस गया है और इसे मैं निकाल कर बाकी के कीमे को भी मैं पीस लूँगी। कीमा पिस चुका है और अब इसमें मैं 2 टीस्पून रोस्टेड चने का पाउडर, या फिर आप नहीं हो तो बेसन को भी आप रोस्ट करके डाल सकते हैं। और फिर इसमें मैं 1 धनिया की 1 बंच काट दूंगी और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, सारा पाउडर इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इतना इसको मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, ये कितना स्मूथ बैटर बना है और बहुत ही इजी टू कुक हो गया है ये। और इसकी टिकिया बना लूँगी मैं कबाबों के शेप में और फिर इसे मैं डीप फ्राई करूँगी। तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने उस तेल को भी शामिल कर लिया है जिसमें मैंने प्याज़ों को फ्राई किया था। फ्लेम को आप मीडियम लो रखिएगा, वरना अगर तेज़ रहेगा तो हमारे कबाब ऊपर से पक जाएंगे पर ये अंदर से कच्चे रहेंगे। बहुत केयरफुली आपको इसको फ्राई करना है। ये देखिए कबाब फ्राई हो गए हैं। इन कबाबों को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। देखिए बस इतना ही इसको लाल करना है और ये बहुत ही अच्छे से अंदर से कुक हो गए हैं। आप जब भी इस तरह की कोई डिश बनाते हैं और जब तेल बच जाता है तो उसको कैसे यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं भी बताऊँगी कि मैं इन्हें कैसे यूज़ करूँगी। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर ले रही हूँ। ये पुदीने के साथ, नींबू और प्याज के साथ बहुत यम्मी लगते हैं। आप ये रेसिपी घर में तो इंजॉय करेंगे ही, मेहमानों के आने पर एज ए साइड डिश या फिर आप स्नैक्स के तौर पर भी इस डिश को पेश कर सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची बने हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।